सड़कों पर काल बनकर घूम रहे गोवंशीय पशुओं से निजात दिलाने के लिए हल्दी चौड़ सहित आसपास के क्षेत्र से ग्रामीण एकत्रित होकर लालकुआं तहसील पहुंचे, जहां तहसीलदार को ज्ञापन देते हुए समस्या से निजात दिलाने की मांग की। ग्रामीणों का कहना है कि सड़कों पर बैठे या घूम रहे गोवंशीय पशुओं की वजह से नवयुवक दुर्घटना का शिकार होकर मर रहे हैं, साथ ही आए दिन दुर्घटनाओं का खतरा बना रहता है और आवागमन करने में भी राहगीरों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों ने कहा कि यदि एक सप्ताह के भीतर समस्या का समाधान नहीं हुआ तो ग्रामीण उग्र आंदोलन करने को बाध्य हो जाएंगे। वहीं तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने बताया कि ग्रामीणों ने अपनी समस्या बताई है, जिसको लेकर उच्च अधिकारियों को रिपोर्ट प्रेषित की जाएगी। लालकुआं से मुन्ना अंसारी की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया था कि यहाँ पे जो काफी हमारे आवारा जानवर हो गए हैं और उससे काफी है उनकी जो खेती है उसे नुकसान पहुंच रहा है, क्षेत्र के जो लोग हैं इधर उधर जा रहे हैं, आवागमन कर रहे हैं, उससे भी उन्हें काफी नुकसान पहुंच रहा है। आए दिन यहाँ पे एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, तो इस संबंध में क्षेत्र के लोगों द्वारा काफी आक्रोश व्यक्त किया गया और हमें ज्ञापन दिया गया। इस संबंध में प्रशासन द्वारा शीघ्र ही एक अभियान चलाते हुए जो भी हमारे जानवर हैं, हमारा जानवर है, उन्हें पकड़ते हुए उन्हें गौशाला भिजवाया जाएगा। और इस संबंध में जो उनके द्वारा कहा गया कि हमारी गंगापुर कपडाल वाली जो गौशाला है, उस संबंध में जो हमारे उच्च अधिकारी हैं उन्हें अवगत कराया जाएगा कि गंगापुर कपडाल में जो भी समस्या आ रही है, उससे शीघ्र हमें क्षेत्रवासियों को भी अवगत कराएंगे।